हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो हम भी एकदम वेल एंड गुड है। सो ये देखो, मैंने आज स्वेटर पहन लिया क्योंकि ना थोड़ा ठंडा हो गया है, और ठंडा नहीं मतलब थोड़ा हवा भी चलने वाली थी हवा भी चल रही थी, तो मैंने सोचा स्वेटर डाल लेती हूँ, कहीं ऐसा ना बीमार पड़ जाए फिर, तो इसलिए। बाकी अक्षु को तो मैं ना फुल पैक करके रखती हूँ, मतलब जैसे ही तीन बजती ना, तीन बजे के बाद तो मतलब मैं उस पर सॉक्स वगैरह सारे पहना लेती हूँ। चप्पल नहीं है बहन, या चप्पल की बहुत कमी हो गई भी शादी में हमारी। एक जोड़ी चप्पल किसी ने चुरा ली, वो भी नई चप्पल, ऐसा कौन करता है। सो गाइस, अभी हो गई है शाम, और क्या कहते हैं उसको, आज मम्मी लोग लगा रहे हैं आलू ऊपर वाले खेत में, तो आज मैं दिखाऊंगी आपको कैसे कैसे आलू की खेती करते हैं। और क्या कहते हैं उसको, अभी मम्मी ने बोला तब तक तू हलवा बना, चाय तो मैंने बना ली थी, जब तक मैं ऊपर आई तब तक पापा ने बोला तू वीडियो बना, हलवा इशू बना रही है। तो बस इशू भी आ गई है अभी, वो कह रही है अभी थोड़ा हाथ मुंह धो के मैं हलवा रेडी करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे पहले की तरह जैसे काम वाम करते थे लोग, तो मतलब सब हलवा बनाते थे उनके लिए, मतलब थोड़ा कुछ मीठा कि ये लो भाई तुमने काम किया तो ये लो मीठा खा लो। तो बस ईशू भी अभी हलवा बनाएगी। और ये हमारी स्कूल की लड़की घर आ गई है, आईटीआई की लड़की, ये आईटीआई की लड़की सच्चे में, तो आईटीआई ड्रेवन तो नीलू पेरल निशान बिचन तो निस्कूल कुर्ता एंच फिरतन नीलू, ये देखो बताओ ऐसी भी क्या ठंड की, तुमने आईटीआई की ड्रेस ही डाल दी। हलवा बना तब यार, किसान तुम कख नहीं दिखने जाना मार गरम एक पैदा में अच्छे। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आज मम्मी लोग लगाएंगे आलू। और ये देखो, हम दुल्हन से यहाँ पे, हमने दुल्हन को बोला एक दो दिन के लाइए तो चल काम कर भाई अब। और ये देखो यहाँ पे मौसी, मुन्नी मौसी, मम्मी, साथ में ना अक्षु भी है। अक्षु देख रहा है क्या कर रहे हैं आज नानी लोग, क्या कर रहे हैं आज नानी लोग। तो यहाँ पे लगाएंगे अभी आलू कचालू। मस्त उड़ रही है, मैंने यही काम करना है ना, तो इसलिए मैं अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और यहाँ पे अक्षु ने सोचा मैं क्यों चुप बैठूं, तो उसने वो उठाया झाड़ू और झाड़ू मारने लग गया। अक्षु ची है, ची भी बोल रहा है साथ साथ में। अक्षु क्या है, और आजकल अक्षु ना अक्कू मौसी के साथ खेल रहा है, तो उसने ना उसको अक्कू को ही पकड़ा हुआ है कि हाँ अक्कू ही खिलाएगी मेरे को। और ये देखो अक्षु को तो झाड़ू दिखना चाहिए और तो। और यहाँ पे जो आलू लगाएंगे, मम्मी लेके आ गई है आलू, और मुन्नी मौसी बता रही कैसे कैसे आलू काटना है, तो मुन्नी मौसी ने बता दिया यहाँ पे कि नहीं नहीं हमें पता नहीं था ना कि जो अंगरे ना ना जो अंगरे वाले आलू है ना, तो मतलब जैसे दो अंगरे है तो दोनों साइड आने चाहिए, जैसे इस साइड भी आ गया इस साइड भी आ गया तभी आलू होगा, नहीं तो नहीं होगा। और यहाँ पे हमने लगा दिया काजू को, काजू ढंग से काटा है तब तेरे गलैणी की दिखनी की हाँ काजू वाली अंगरा काजू वाली हवा काटने लगी, अंगरा वाले आलू काटने। अक्षु भी आ गया साथ में देखने के लिए, अब अक्षु को तो ये लग रहा होगा ये तो बॉल है, अभी उठाएगा। सो अभी यहाँ पे कर रहे हैं मम्मी लोग वगैरह काम, अक्षु ने तो झाड़ू वही उठा रखा है, और मस्तु इतनी चलाक है उसने सोचा कि अभी यहाँ पे ज़्यादा मेरे को वो करना पड़ेगा काम, तो मस्तु ने वहाँ देखो अपनी जवाई के साथ ऊपर भाग गई, और उसने सोचा पहले मैं अपने जवाई को चाय दे के आती हूँ। और ये देख सकते हो आप, ऐसा नहीं कि फटाफट नीचे आ जाओ काम करने के लिए। सो गाइस, आज तक आपने ये सुना हो कि वीवो के फ़ोन आते हैं, लेकिन आज मैंने ना वीवो की चप्पल भी देख ली, तो अभी आपको दिखाती हूँ। हमने भी अभी देखा कि अक्कू ने ना वीवो की चप्पल पहनी हुई है, आपको दिखा जरा, ये देख सकते हैं आप। अरे ये देखो आप, वीवो की चप्पल भी है, बताओ यार, मैंने तो अभी देखा वीवो कंपनी वाले चप्पल भी बनाने लग गए। आपको कितने की लाई थी ये चप्पल? मुझे लग रहा है 10,000 की तो पड़ी होंगी ये चप्पल, है ना। सो गाइस, आप ये देख सकते हो मम्मी लोगों ने इतना खेत पूरा साफ कर दिया है, और बस यहीं तक करेगी मम्मी, और मौसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक लग गई है। और ये देखो,
सो मुन्नी मौसी यहाँ से लेके चली गई है पूरी लाइन, और मौसी यहाँ पे एक एक करके आलू डालेगी। दो आलू तो डाल दिए मौसी ने यहाँ पे, अभी पता नहीं क्या डिसाइड कर रही है, इच्छी फड़े कर इच्छी उड़े कर, इच्छी फड़े कर इच्छी उड़े कर। बल फिर से लाइन बढ़ा ले मौसी, ये देख ये खींच दी मौसी ने यहाँ पे लाइन। मौसी ने जो दो आलू डाल दिए वो भी उठा दिए, ये डाले मौसी ने आलू यहाँ पे, ये देखो। और आलू का यहाँ पे ना इतना डिस्टेंस होना चाहिए, ये तो कह रही है बहुत घने घने डाल दिए इन्होंने, थोड़े छांटे छांटे होने चाहिए कि। ये देख सकते हो आप कैसे पूरी लाइन बन गई है, मतलब तीन चार लाइनें बन गई है। ये नाम नहीं यार दिखने लगी, लाइन ही नहीं दिखनी। ये देखो आप दो दो लाइन ये बनी है, ऐसे नहीं दिख रही ना, ऐसा लग रहा है पूरी मिट्टी प्लेन ही है, जैसे कैसे दिखेगी। हाँ ना ऐसे दिख गया यार, यहाँ दिखेगी काजल, ये देख सकते हो आप, ये देखो आप। तो अभी पूरे खेत में बनेगी ये पूरी लाइन, इसको बोलते हैं डी। अब मेरी माता यहाँ पे आलू डिसाइड कर रही है। अब ये दोनों लड़ाई करने लगे कि तूने घने लगा दिए, एक बोल रहा तूने छांटे लगा दिए। मुन्नी मौसी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है कि अगर छांटे लगाओगे तो आलू फैल जाएगा, खूब सारे आलू होंगे की। मम्मी बोली थोड़ा घने घने लगा ताकि आलू के सब आलू यहीं पे मेरे समा जाए। सो गाइस आप ये देख सकते हो आलू की पूरी डीन तैयार हो गई है, और ये मेरी मम्मी ने चूल्हा सेट कर रही है, क्योंकि ये चूल्हा हमने यहाँ से निकाला था, हमने वहाँ साइड में रखा हुआ था, तो मम्मी ने यहाँ पे कर दिया है। ये आलू की पूरी डी वगैरह तैयार हो गई है, ये ऐसे में लगाई है स्ट्रेट, और ये दूसरी कैसे में लगाई है, और ये वाली हमने लगाई है ऐसे में। मौसी लाइन खींच रही है, एक मौसी आलू डाल रही है और एक ऊपर से मिट्टी को ढक रहा है। ये देखो गाइस हलवा भी बन गया है, नीचे तो कितनी भयंकर खुशबू आ रही थी, मैंने सोचा कौन बना रहा है हलवा, पर याद आया था मेरी बहन हलवा बना, ये देखो पर हलवा ऐसा बनाया, सूजी जला दी इसने, इसने चुन्नी पहले डाले ले, सरासर बड़ो मुझे जानवा तब। और ये मस्त हमें क्यों बुला रही थी ऊपर, इसलिए बुला रही थी ऊपर कि आप मोमो और वो रखे हुए क्या बोलते उसको स्प्रिंग रोल, आओ जल्दी आओ जल्दी। ओह इतनी खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी होती है। अपना आप तो इसने बोलो जो तुम लोग खाओगे मैं वो लेके आऊँगी, आप बोल रही और आप बोल रही कि क्या है क्या है, बार बार लगी हुई है। सो गाइज अभी मैं कर रही हूँ दूध गर्म, और क्योंकि आज सुबह सुबह मेरे मामा जी लोगों की भैंस भी आई थी, तो उन्होंने हमें आज सुबह सुबह दूध पहुँचा दिया, नहीं कल भी आई थी, तो आज सुबह मामा जी लेके आए थे दूध, तो मैं वही गर्म कर रही हूँ, सब गर्म कर रही हूँ। मम्मी ने पिसरू वगैरह सब बना के रखा है, गुड़ वगैरह डाल के रखा है, और मैं तो गर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम से खाना था और फाइनली मुझे मिल गया। और ये देख सकते हो आप, थोड़ा सा खाती हुई गर्म होता है ना ये भी, अरे यार कांगी कटोरी।